हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल वर्ल्ड बाय साक्षी खुराना। टुडेज टॉपिक इज व्हाई व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी गेट जीरो इन रिजल्ट। जब भी हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट में जीरो ही क्यों मिलता है, जीरो कैसे उसका रिजल्ट आ सकता है जब हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। इट्स अ मैथमेटिक्स टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट। सो जीरो को अगर हम वन से डिवाइड करते हैं सो आंसर जीरो आता है। इसको हम इस टाइप से भी लिखते हैं कि जीरो को हम वन से डिवाइड कर रहे हैं आंसर जीरो आया। जीरो को किसी भी नंबर टू से डिवाइड किया तो भी जीरो आया। थ्री फोर किसी भी नंबर से एनी नंबर, जीरो को हंड्रेड से डिवाइड किया तब भी आंसर जीरो ही रहता है। इसे आप इस फॉर्म में भी लिखते हैं जीरो अपॉन हंड्रेड, दैट मीन्स आपने जीरो को हंड्रेड से डिवाइड किया आंसर आया जीरो। सो ये कैसे हैपन होता है, कैसे हम किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करते हैं, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं सो आंसर जीरो कैसे आता है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। Firstly, you should understand the basic concepts. That is, in this video, firstly understand the main thing. जब भी हम किसी number को जैसे आप 4 को divide करते हैं 2 से, example के लिए आप 4 को divide करते हैं 2 से, तो आप कैसे इसका result find out करते हैं? आप simply 2 को रखते हैं बाहर, 4 को divide कर रहे हैं 2 से, 2 2 जा 4. So जहाँ कम्प्लीटली रिमाइंडर आ जाए जीरो, दैट मीन्स वो उसके टेबल पे एग्जिस्ट करता है। टू टू सा क्या होता है फोर, यानी आंसर क्या आता है जब आप फोर को टू से डिवाइड करते हैं। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं फोर डिवाइड बाय टू, आंसर क्या आया टू। या फिर आप नॉर्मली अगर हायर क्लासेस में है तो आप सिंपली भी आपको याद हो जाता है, लर्न हो जाता है दैट टू वन जा टू, टू टू जा फोर। सो आप कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हो और आंसर मिला आपको टू। लेकिन आपको कैसे पता है ये रिज़ल्ट जो आपने निकाला है वो ट्रू है या नहीं? ये हम पहले इसे ट्रू नहीं मानते थे, पहले इसका वेरिफिकेशन होता है हर चीज़ का, तब उसे अप्लाई किया जाता है। इसको कैसे वेरीफाइड किया गया, इसको वेरिफिकेशन किया 4 upon 2 = 2। हम पहले जैसे पहले आपने सम लेके चला और उसका रिजल्ट निकाला, आंसर निकाला, अब की बार आप आंसर लेके चलिए और फिर देखते हैं कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है या नहीं, यूनिवर्सल है या नहीं। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो वन लिख सकते हैं बिकॉज टू टू बाय वन भी तो होता है, क्योंकि 2 upon 1 हमेशा आंसर 2 ही रहेगा। सो आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, इन दोनों की कर देनी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 multiply 1 and 2 multiply 2, बीच में इक्वल का निशान था तो एज इट इज़ रखा। 4 1 4, 2 into 2 4, 4 = 4 होता है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। 4 = 4 यूनिवर्सल है, दैट मीन्स जो हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे वो बिल्कुल करेक्ट था, दैट मीन्स 4 upon 2 हमेशा 2 ही होता है, ये रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका ही यूज़ करेंगे हम अपने आज के टॉपिक में, जैसे इस टॉपिक में आप क्या डिवाइड करने वाले हैं, जीरो को किसी भी नंबर से। सो आंसर क्या आता है जीरो। हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि क्या हमने जो रिजल्ट पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल ट्रू है या नहीं है। सो इसके लिए आपने डिवाइड किया जीरो को वन से, आंसर आ रहा है जीरो। आप इसका क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है तो वन लिख सकते हैं जीरो। वैसे भी यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि 0 upon 1, यहाँ पर भी 0 upon 1, बट बेसिकली आप इसको कर सकते हैं 0 multiply 1 = 0 multiply 1। 0 multiply something हमेशा आंसर जीरो ही रहेगा, 0 multiply 0 1 जीरो ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। 0 = 0 यूनिवर्सल है, दैट मीन्स जो हम लेके चले थे कि 0 upon 1 जीरो के इक्वल, ये बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली आप नेक्स्ट ले सकते हैं कि 0 upon 2, क्या आप 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तब भी आंसर जीरो आता है। सो इसके लिए आपने क्या किया, अगेन कुछ नंबर नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, इनकी की क्रॉस मल्टीप्लाई 0 multiply 1 और राइट हैंड साइड पे आया 0 multiply 2। 0 multiply 1 दैट इज़ 0, बिकॉज 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 ही आता है। 0 multiply something दैट इज़ 0, 0 0 के इक्वल है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है।
जो कि यूनिवर्सल है, दैट मीन्स जो हम लेके चले थे, क्या लेके चले थे, 0.2 इक्वल्स टू 0, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी टाइप से आप किसी भी नंबर को 0/100, कोई भी नंबर आप 0 के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 × 1 इक्वल्स टू 0 × 100, 0 × 0, 0 × 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, दैट मीन्स जो हम लेके चले 0/100 इक्वल्स टू 0 ही होता है। यानी 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं सो हमारा आंसर 0 ही आता है। आई विश आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।